हेलो, नमस्ते सभी बच्चों को। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 8। ठीक है, अगर कोई पूछे ना हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, 8 पेपर में भी आ सकता है, ये ग्रुप डी में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं कलेसर वन्य जीव अभयारण्य की। ठीक है, ये बना था 1996, मतलब 1996 में। कहाँ है ये? यमुनानगर। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य 1996 यमुनानगर में। अगला है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये 1987 में बना, ये पंचकुला में है। ये कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य 1986 में बना, ये भी, ये कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नारसिंह वन्य जीव अभयारण्य ये 1987 में बना, ये रेवाड़ी में है। ठीक है, ये रेवाड़ी में। अबूब शहर, ये तो आपको पता ही है, सिरसा में। और ये कब बना था? 1987 को। कब बना था? 1987 को। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य ये 1986 को बना था, झज्जर में। ये कहाँ प्रसिद्ध है? झज्जर में। खापरवास वन्य जीव अभयारण्य 1987 में, ये भी झज्जर में है। खोली रेतान वन्य जीव अभयारण्य ये 1996 में बना, और ये कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, 1987 में बनने वाले हैं खप्परवास, अबूब शहर, सिरसा और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला। ये इन तीनों का मतलब जो ये बने हैं, ये 1987 में बने हैं। और ये एक 1996 में बना है क्लेसर, यमुनानगर में है। और खोली रेतान ये भी 1996 में बना है, पंचकुला में। ठीक है, आगे आते हैं हरियाणा के प्रजनन केंद्र। हरियाणा के प्रजनन केंद्र महत्वपूर्ण और मेन तो 5 ही प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कितने हैं? 5। ठीक है, सबसे पहले आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये केरू कहाँ है भाई? भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू, ये कहाँ है? भिवानी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र यह भोरसेंदा कुरुक्षेत्र, ये कहाँ है? भोरसेंदा कुरुक्षेत्र। फिर आता है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में, ये पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, तित्तर प्रजनन केंद्र है मोरनी, ये मोरनी कहाँ है? पंचकुला में। मोरनी पंचकुला में है ना, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में, ये वहीं से ही है जी। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ है? रेवाड़ी में, झाबुआ रेवाड़ी में। फिर आते हैं हमें हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले बात करते हैं आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बना 1971 में। ठीक है, गुरुग्राम में है ये। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का है गुरुग्राम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो प्रवासी पक्षी आते हैं ना, जैसे कि मध्य एशिया में ठंड बढ़ने पर जो पक्षी होते हैं वो इधर आ जाते हैं फिर। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए गर्मी में इधर आ जाते हैं। इको राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है इसको। इसे इसका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, इसमें जो मेन पक्षी है ना वे हैं साइबेरियन सारस, बगुला, सिकरा इत्यादि। जैसे साइबेरियन सारस उधर मतलब ठंड बढ़ जाती है ना, फिर ये इधर आ जाते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, गुरुग्राम में आ जाते हैं उड़कर।
ठीक है, फिर ये कई दिन यहाँ बिताते हैं, फिर जैसे ही यहाँ ठंड बढ़ने लगती है ये वापस चले जाते हैं, ऐसे चलता है इनका। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता ही है, यमुनानगर में है, ये बना था 2003 में। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ना, वो भी यमुनानगर में है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये उद्यान है, ठीक है। ये है दोनों यमुनानगर में, वो बना था 1996 में और ये बना है 2003 में। और ये मतलब बाघ उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये दो ही उद्यान है भाई मेन तो। अब जैसे प्रजनन केंद्र और भी है हरियाणा में छोटे बड़े, ठीक है, वो है काला तित्तर, ये कहाँ है, पीपली, ये पीपली कहाँ पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र में है जी, पीपली कहाँ, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला में, चिड़िया गोरेया ये मोरनी भाई ये भी पंचकुला में है, हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र ये बनस्तौर यमुनानगर में है जी, ऊंट प्रजनन केंद्र ये सिरसा में है भाई, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। जैसे भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र ये सारे कहाँ हैं, हिसार में, ये है अपने हिसार में, ठीक है। काला तित्तर पीपली कुरुक्षेत्र, रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला, चिड़िया गोरेया मोरनी, चिड़िया भी पूछा जा सकता है, चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है तो ये मोरनी पंचकुला, और ऐसे भी पूछा जा सकता है गोरेया प्रजनन केंद्र कहाँ है तो ये भी मोरनी पंचकुला में ही होगा। हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र बनस्तौर यमुनानगर, ये कहाँ है, बनस्तौर यमुनानगर। ऊंट प्रजनन केंद्र ये सिरसा में है, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा। भेड़ प्रजनन केंद्र पूछ ले, भैंस प्रजनन केंद्र पूछ ले, पशु प्रजनन केंद्र पूछ ले, सुअर प्रजनन केंद्र पूछ ले तो ये सारे कहाँ हैं भाई, हिसार में, ठीक है। आगे आते हैं, हरियाणा में हिरण उद्यान भी है एक, कहाँ है वो, हिसार में। हिरण पार्क कहाँ है, हिसार में, हिरण पार्क हिसार में है जी, ठीक है। ये बना था 1970-71 में, क्षेत्रफल है इसका 48 एकड़ में है जी, ये 48 एकड़। मुख्य जीव कृष्णमृग, चितिकदार, हिरण, सांबर जैसे आदि पशु रहते हैं, या पशु। हरियाणा के वन्य जीव संरक्षण ग्रह, ठीक है, यह है सरस्वती वन्य जीव संरक्षण और सरस्वती वन अभ्यारण्य, ये कहाँ है भाई, कैथल में है ये कहाँ है, कैथल में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पीपली जींद में, ये पीपली एक जींद में है और एक पीछे पीपली कुरुक्षेत्र में भी है। काला तित्र पूछा जाए ना, प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र तो पीपली कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और ये बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये पूछा जाए ना, पीपली ये जींद में है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, लाइक और शेयर करते रहें।